हैं, ये समस्या हमारे पूरे प्रदेश की है और ये प्रदेश लेवल पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में जनपदवार, दूसरे चरण में जैसा कि हमारे साथी ने बताया 27 को अगर मांगे हमारी, जो जैसा इन्होंने बताया है कि चार प्रमुख मांगे हैं जो हमारी 8B पे सामान लेकर उसका एस्टिमेट नहीं पास हो रहा है, लगातार हमारा जेई बिल्कुल गले तक फंसा हुआ है। वो अगर एस्टिमेट नहीं पास होगा तो उसके तनख्वाह से उसके लोन अदा किया जाएगा, जो कि विभागीय त्रुटियाँ हैं, इसको भी सरकार को ही देखना है। और जो हमारा ग्रेड पे है, जो नया लागू किया गया, इसको पुराने समय से लागू किया जाए। और ये अगर ये सब मांगे और भर्तियाँ जो हैं वो संविदा अपना करके नियमित अंतराल में, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अब सरकार को लगातार अवगत कराया जा रहा है, ना मांगने पर ही हम लोग विवश होकर क्रमवार ये प्रक्रिया कर रहे हैं कि 2016 से 4400 ग्रेड पे हम लोगों को दिया गया, जिससे क्या हुआ कि जो हमारे पुराने साथी हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उनका भी तो हमारा वेतन समान हो गया। तो हमारी मांग ये है कि उसको 2006 से लागू किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जैसे नेताओं जो हमारे नेता बनते हैं उनको पुरानी पेंशन मिल रही है, ऐसे हम लोगों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। जैसे कि अगर नई पेंशन जो स्कीम आई उसमें उसको बाजार आधारित पेंशन बना दिया गया कि अगर आपका शेयर मार्केट अप हुआ तो आपको पैसा मिल, नहीं अगर नहीं हुआ पैसा आपका खत्म हो जाएगा। अगर ये मांग अगर केवल हमारे लिए ही क्यों है, अगर ये मांग आपकी सही है तो इसको नेताओं के लिए भी लागू किया जाए या तो हमें पुरानी पेंशन दी जाए। हमारी तीसरी मांग ये है कि जैसे कि फतेहपुर में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ 50 पावर हाउस है और मात्र 20 जे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सोचिए कितना उनके ऊपर दबाव है, किस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं। आप नए पदों पर भर्तियाँ करिए, जैसे कि मोदी सरकार में ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा, वास्तविकता यही है। आप नए पदों पर भर्तियाँ करिए, यहाँ पे 50 जी तैनात हो तो आप जैसे उपभोक्ताओं को 24 घंटे सप्लाई मिलेगी, हम लोग मनों के ऊपर प्रेशर भी कम रहेगा। हमारी मांगे ये है जैसे कि देखिए आंधी तूफान आता है, हम लोग लोन पे लेके पोल तार खंभे लगा लेते हैं, ना वो लोन पास किया जा रहा है, जर्जर लाइनों का एस्टिमेट भेजा जा रहा है, वो लाइनें का एस्टिमेट पास ही नहीं हो पा रहा है, बताइए हम लोग कैसे काम कर पाएंगे ऐसी परिस्थितियों में। तो हमारी यही मांग है, इसके लिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए। अगर हमारी ये मांग नहीं मांगी गई, इसके पहले हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था उसको नहीं मांगे, हमें विवश होकर आज यहाँ पे सामूहिक हड़ताल करना पड़ रहा है। अगर ये आगे नहीं मांगी गई तो 27 तारीख को हम लोग इलाहाबाद में 48 घंटे के उपवास पर बैठने वाले हैं, वहाँ नहीं मांगे तो हम लोग बनारस में 2 तारीख को 48 घंटे के उपवास पर बैठे हैं।